वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई ट्यूशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जो है रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का, इसका पूरा पेपर लेकर हम आ चुके हैं। तो अगर आप सभी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं सभी का पेपर आप सभी को मिल जाएगा, तो चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डैज द कंटेंट वन और मोर वर्कशीट, तो एक साथ जो है एक या इससे अधिक अगर वर्कशीट है वो उसको जो है क्या कहते हैं। कई सारे वर्कशीट को मिलाकर जो है क्या बनता है, वर्कबुक बनता है, वर्क फाइल बनता है, एड्रेस बार बनता है या डॉक्यूमेंट बनता है। तो कई सारे वर्कशीट को जो क्या कहते हैं, वर्कबुक कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर ओनली पॉसिबल बिटवीन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है केवल पॉसिबल हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं ईमेल अकाउंट के माध्यम से, पासकोड वेरीफाई है तो हो सकता है, या फिर वेरीफाइड फ़ोन नंबर के माध्यम से, या सोशल अकाउंट के माध्यम से। अगर आप सभी का बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो अगर आप सभी का मोबाइल नंबर वेरीफाई है तब जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है पॉसिबल हो सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा पूछा गया है, द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज, तो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सबसे लंबी है एंड हेल्प इन छोटे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है। तो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट है, एमएसएमई है, या फिर फाइनेंशियल एजेंसी है। तो कौन सी एजेंसी है, ये एमएसएमई एजेंसी है जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए क्वेश्चन हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में आएगा। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, एफ एम जी सी जी का जो है पूरा नाम क्या है, एफ एम सी जी का पूरा नाम है क्या है। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बिजनेस वेबसाइट, आपकी पहले स्टोर में जो है 30% की अगर छूट दे रहे हैं तो ये, या फिर फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, या इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं। तो बिजनेस वेबसाइट है आप सभी की तो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंतर्गत आएगी, फेसबुक पर बिजनेस के बारे में पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं, तो ये सभी क्या होगी, ऑनलाइन मार्केटिंग अंतर्गत आएंगी। लेकिन अगर आप 30% छूट देंगे, ये कुछ समय के लिए होता है इसलिए जो है ये नहीं आएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है, सी ओ जी एस का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, सी ओ जी एस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए सातवां पूछा गया है, उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उद्यमिता में सफल होने के लिए पॉलिटिक्स करनी चाहिए, अगर बिजनेस में सफल होना है तो क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, माइंडसेट बना कर रखना चाहिए, पावर या मनी, तो क्या होना चाहिए उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में सफल होने के लिए, माइंडसेट आप सभी का सही होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां पूछा गया है, कृषि क्षेत्र के बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए द स्टैंड अप इंडिया योजनाएं कितना बैंक ऋण प्रदान करती हैं, द स्टैंड
स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है 10 लाख से लेकर जो है 1 करोड़ रुपए की जो है धनराशि दी जाती है नए उद्यम को स्थापित करने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, NIC का जो है पूरा नाम क्या होता है, NIC का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है नीड्स इंटरेस्ट कंसर्न होता है। तो बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, प्रभावी संचार की पहचान करिए। यहाँ पर ऑप्शन है आवाज़ का लहजा यानी टोन ऑफ वॉइस, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या सभी। तो ये जो है प्रभावी संचार सभी इनमें से हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब आप पर्यवेक्षक से बात करते समय अपनी घड़ी को जो है बार बार जांच करते हैं तो उसे क्या मिलता है? एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, सरप्राइज होता है, अपसेट होते हैं या चिढ़ा हुआ होते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये इरिटेटेड निमी में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपसेट होना चाहिए। जब आप पर्यवेक्षक से बात करते समय अपनी घड़ी की बार बार जांच करते हैं उसे क्या मिलेगा, उसे जो है इरिटेड मिलेगा, अपसेट हो जाएगा, इरिटेड हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, इनमें से कौन जो है ऑनलाइन सर्च जॉब प्लेटफॉर्म नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है कांच के दरवाजे, वास्तव में इनडेड, लिंकडेड, स्नैपचैट। तो ये जो है सभी हैं, लेकिन क्लास डोर कांच के दरवाजे जो है ये, तो ये नहीं है ग्लास डोर। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किसके रूप में भेजते हैं? मार्क टेस्ट के रूप में, अटैचमेंट के रूप में, कुकी एडवर्टाइजमेंट के रूप में, ड्राइव के रूप में। तो इसको जो है ड्राइव अटैचमेंट के रूप में भेज दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है? तो संचार क्या होता है, ये इनकोडिंग और डिकोडिंग होता है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जब एक साक्षात्कार इंटरव्यूअर जो है आपसे अपने बारे में अधिक बताने के लिए कहता है तो आप क्या क्या बताएंगे? ऑप्शन है आपके परिवार के बारे में विवरण देंगे, आपकी शिक्षा और योग्यता के बारे में बताएंगे, आपकी रुचि और शौक के बारे में, यानी कि सभी, ज़्यादातर पूछ रहा है तो सभी बता देंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 16 नंबर, कैरियर के रास्ते में हमारी मदद करता है, क्या क्या मदद करता है? ज़्यादातर जो क्वेश्चन में सभी ऑप्शन है वही आप सभी कमेंट टिक करिएगा, ज़्यादातर सही होने के चांस रहते हैं, 90% चांस है कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, करियर के रास्ते में हमारी क्या मदद करता है? तो सभी मदद करते हैं। डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। अगला देखिए 17 नंबर, रिज्यूम में अस्पष्ट कौशल जैसे कठिन परिश्रम, मिलनसार स्वभाव, ईमानदारी याद लिखने से बचना चाहिए। तो क्या यह सत्य है या सत्य है? तो ये सत्य है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आज के डेट में पूछे गए थे। अभी और भी क्वेश्चन है जो कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।